एमपी खंडवा के पंधाना विधानसभा के एक गांव ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। वोटर को समझाने पहुंची प्रशासन की टीम को भी दो टूक शब्दों में ग्रामवासियों ने कहा कि हमारा गांव बहुत पिछड़ा है, किसी की भी सरकार रही हो उन्होंने हम पर ध्यान नहीं दिया और इस बात को लेकर हम ग्रामवासी कई बार शिकायत कर चुके हैं, जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुँचा चुके हैं लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। आज हमारा समय है और हम इस समय का उपयोग करते हुए वोटिंग का बहिष्कार करते हैं। जैसे ये जानकारी नेताओं को मिली, प्रशासन को मिली, गांव वालों से मिलने प्रशासन और नेताओं की टीम पहुंची, गांव वालों से निवेदन किया जा रहा है कि वह बहिष्कार ना करें और अपना मत का उपयोग कर देश हित में, राष्ट्र हित में, पंधाना हित में वोटिंग जरूर करें। जिसको वोट देना है वोट जरूर दें और वोटिंग का बहिष्कार ना करें। भाई हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से सोई हुई गवर्नमेंट के गांव के बारे में जगाना चाहते हैं। ये गांव पिछड़ा गांव है जबकि नगर पंचायत का वार्ड नंबर 15 इसको कुंडलेश्वर कहते हैं, पर यहाँ इतनी समस्या है, इतनी गंदगी है कि अगर आप गांव में घूमेंगे तो आपको खुद को शर्म आएगा कि हम मीडिया वाले इस गांव में कहाँ आ गए। ऐसे कौन से काम नहीं है जिस वजह से इतनी नाराजगी है भाई? यहाँ पे ना रोड है, ना नाली है, ना पीने का पानी है। अगर पंधाना में पीने का पानी सुखता का आ रहा है, हालांकि पंधाना के 14 वार्ड जो टैक्स लेते हैं वो टैक्स हम भी भर रहे हैं, पर जो मूलभूत सुविधा पंधाना के 14 वार्ड में है वो 15 नंबर के वार्ड में नहीं है। मेन समस्या अगर कुंडिया पंधाना मात्र 1.5 किलोमीटर का है जबकि नगर पंचायत का वार्ड है तो RCC रोड बनना चाहिए था, पर आज ये पोजिशन ये है कि बारिश में बच्चे स्कूल जाते थे तो कहीं गिरते तो वापस घर आते थे, कपड़े बदलते थे और स्कूल नहीं जाते थे। ये पोजिशन थी, गांव वाले इकट्ठे हुए, गांव वालों ने गड्ढों का पानी निकाला, गेती फावड़े घर से ले गए, 4 मजदूर करे पर पानी निकाला। उसके बाद भी हमने नगर पंचायत में SDM से हर किसी शिकायत की, उसके कहीं से कहते सुनवाई नहीं, हमको मजबूरन आज चुनाव का बहिष्कार करना पड़ा। तो आपके पार्षद किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और मतलब कि अभी तक इन समस्याओं को आपने उनको अवगत करवाया कि नहीं करवाया? नहीं, पार्षद बीजेपी से है, उसको हमने जगदीश एकले, उसको हमने गांव वालों ने एकता करके भाई अच्छा आदमी है, इसकी राजनीति में अच्छी चल है, गांव वालों ने इकट्ठा होकर उसको एक तरफा चुनाव जिताया। गांव का जो बंदा था उसको हमने नहीं जिताया, उसमें ये व्यक्ति सही है, उसको हमने चुनाव जिताया। उसके बाद में उसको अगर कहीं भी बात करने जाओ या कुछ बोलो तो कोई बात पर ध्यान नहीं देता। वो रात को गांव में आता, गांव में उस वक्त तो मैं तो नहीं था, बाहर फील्डिंग पे था, उसने न जाने क्या बोला, उसकी मेरे को पूरी जानकारी नहीं, उसने कुछ ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कहा कि पब्लिक भड़क गई। मेरे को जैसे ही मालूम वैसे मैं आया, सब पब्लिक को शांत गई, भाई अपना झगड़ा निकल, चुनावी माहौल है, जो भी करना शांति से करेंगे। हमारे सामने मीटिंग हुई, अपने बहिष्कार करना है, हम लोगों ने बहिष्कार का फाइनल कर लिया, बहिष्कार हो रहा है। अगर आप सर गांव में अगर घूमेंगे, लाडली बहना की जो बात है, लाडली बहना में कहीं जाओ जिनको मिलना तो उनको काट दिया, जिनको नहीं मिलना तो उनको मिल रहा है। लगभग कुल कितने यहाँ पर वोटर, कितने यहाँ वोटर है? 500 वोटर पर सर अभी एक वोट नहीं गिरा, और जब तक कोई अधिकारी नहीं आएगा, हमको समस्या का समाधान नहीं देगा, लिखित में आश्वासन नहीं देगा, वोटिंग नहीं होगी। लेकिन वो तो ये कहेंगे कि ये तो विधानसभा चुनाव चल रहा है और ये तो मामला जो है आपका नगर परिषद का है मामला। नगर हमको तो विधानसभा चुनाव हो कि लोकसभा चुनाव, हमको हमारी समस्या का समाधान चाहिए। यानी आपका ये कहने का मतलब है कि अभी जितनी भी सरकार है, मतलब आपको आपकी समस्या का निराकरण नहीं कर रहा? यहाँ समस्या हर कोई समस्या, यहाँ के किसानों की ये हालत है कि बारिश में सब्जी भाजी खेती नहीं कर सकते, खेतों में जाने की ये न होते, खेतों में अगर जाए तो अगर बैलगाड़ी ले जाते, ट्रैक्टर ट्राली लेके गाड़ी खिंचवाना पड़ती है, और फसल लाते हैं तो कुछ समय से होते हुए 6 किलोमीटर फिर के फसल घर पे लाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात बोल दी पार्षद ने जिसकी वजह से आप लोग नाराज? सर ये तो मैं खुली नहीं बता सकता, उस समय मैं यहाँ नहीं था, कुछ ऐसे शब्दों का उसने इस्तेमाल करा होगा कि पब्लिक नाराज हो गई। ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम खुमान सिंह चौहान है, मैं यहाँ के स्थानीय निवासी हूँ।